हेलो फ्रेंड्स, एस डी एस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एस डी सुतरिया। हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, स्पेशली एस्टिमेशन, जिसमें हम आज बात करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी के नाम से जानते हैं। जो बी एस सी एंड एम एस सी स्टूडेंट हैं, जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, उनको ये प्रैक्टिकल बहुत ही काम आने वाला है, तो पूरा देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एम देख लेते हैं। टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो हमें क्या करना है, एस्कॉर्बिक एसिड की परसेंटेज ऑफ प्योरिटी फाइंड आउट करनी है। हमें एक सैंपल दिया जाएगा, उस सैंपल में कितने परसेंटेज प्योर एस्कॉर्बिक एसिड है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? जनरली 99 या 100% रिजल्ट आता है, क्योंकि 100% 99% प्योर हमें एग्जाम में दिया जाता है। ओके, तो चलिए फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एस्कॉर्बिक एसिड का सैंपल, उसके बाद में चाहिए 0.1 नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली आयोडीन सॉल्यूशन। अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा हुआ है कि हमें वो एग्जैक्ट नॉर्मलिटी चाहिए, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो लिबरेटेड होता रहता है, तो लिबरेटेड होता है इसलिए एग्जैक्ट नॉर्मलिटी जिस समय प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस वक्त कौन सी नॉर्मलिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, एंड देन आफ्टर हमें प्रैक्टिकल करना है। और वो हमें आइडेंटिफाई किसके सामने करना है, तो 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फ के सामने, तो वो भी हमें रिक्वायरमेंट में चाहिए। देन 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड डिस्टिल वाटर हमें लेना है, पहले गर्म करना है, उसको ठंडा करना है, एंड देन आफ्टर हमें ये उसको यूज करना है। 1% स्टार्च इंडिकेटर चाहिए, जो कि हमें कलर चेंज में जो वेरिएशन आएगा उसका पता चलेगा, स्टार्च इंडिकेटर। ओके, बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखे या फिर जर्नल में कैसे लिखे, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आपका जर्नल या एग्जामिनेशन पेपर है उसको सामने वाला दो पेज ले लीजिए, उसमें से राइट साइड में क्या लिखना है, सबसे पहले एम, रिक्वायरमेंट्स, प्रिपरेशन, प्रोसीजर एंड लास्ट रिजल्ट, ये सारी जो बातें हैं वो हमें राइट साइड के पेज पे लिखनी है। अब लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन सेक्शन 1, अगर एक से ज़्यादा है ऑब्जर्वेशन तो हम उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन है, ब्लैंक रीडिंग एंड एक्चुअल रीडिंग, तो सेक्शन 1 जो है वो ब्लैंक रीडिंग है एंड सेक्शन 2 है वो एक्चुअल रीडिंग है। तो सेक्शन 1 का ऑब्जर्वेशन आएगा, सेक्शन 1 का ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा, देन सेक्शन 1 का कैलकुलेशन आएगा। उसके बाद में आप स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन टेबल 2, एंड देन इक्वेशन, अगर आपको जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ होता है उस केमिकल रिएक्शन को आपको वहाँ पे लिखना है, ड्रॉ करना है। अगर इमेज है तो आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन कैलकुलेशन ऑफ द सेक्शन 2, एंड लास्ट में आपको रिजल्ट टेबल लिखना है, वो राइट साइड के पेज ऊपर आएगा। तो ये सारी की सारी बातें हम आज बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए, तो सारी की सारी बातें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 1 जो है वो ब्लैंक एक्सपेरिमेंट है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन मैथड। तो स्टैंडर्डाइज हमें किसको करना है, तो जो एक्स नॉर्मल आई टू सॉल्यूशन है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स नॉर्मल आई टू सॉल्यूशन जो दिया होता है उसको हमें 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट स्टैंडर्ड करना है, और उसको हम बोलेंगे ए एम एल रीडिंग। जो बीरेट में जो भी रीडिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, ए एम एल। देन हमें सेक्शन 2 जो है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, ब्लैंक मीन्स विदाउट सैंपल, एक्चुअल मीन्स विथ सैंपल। तो सैंपल क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, तो हमें एस्कॉर्बिक एसिड लेना है और उसके बाद में हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, और जो है वो हम आयोडीन के सामने परफॉर्म करेंगे। जो हमने सेक्शन 1 में आयोडीन के जो नॉर्मलिटी फाइंड आउट की थी, उस नॉर्मलिटी के अगेंस्ट हमें इस एस्कॉर्बिक एसिड को फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आयोडीन जो है वो 0.1 नॉर्मल है, अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? एंड उसका जो भी रीडिंग आएगा उसको हम बोलेंगे बी रीडिंग, तो ए एम एल एंड बी एम एल। ए एम एल क्या है, तो ए एम एल है ब्लैंक रीडिंग, ए एम एल क्या है तो ब्लैंक रीडिंग है, एंड बी एम एल क्या है, तो बी एम एल है एक्चुअल रीडिंग मीन्स सैंपल, एक्चुअल मीन्स सैंपल। तो ये प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 स्टैंडर्डाइजेशन मेथड, तो सबसे पहले हमें 25 ml जो भी सॉल्यूशन है वो सोडियम थायोसल्फेट का 0.1 नॉर्मल क्वानिकल फ्लास्क में ले लेना है। 25 ml सोडियम थायोसल्फेट क्वानिकल फ्लास्क में ले लीजिए,
उसके अंदर स्टार्च इंडिकेटर ऐड कीजिए, तो उस वक्त कलर नहीं आएगा। स्टार्च ऐड करेंगे तो कलर नहीं आएगा, उस वक्त कलर लेस सॉल्यूशन होगा। देन आप जब टाइट्रेशन करेंगे अप्रोक्सीमेटली 0.1 नॉर्मल आयोडीन के साथ, तब उसका कलर जो होगा वो कलर लेस टू ब्लू हो जाएगा, कलर लेस टू ब्लू, एंड देन आपका जो रीडिंग है वो कन्फर्म हो जाएगा। आप इसका जो कन्फर्म करने के लिए कॉन्स्टर रीडिंग भी ले सकते हैं, 2 या 3 मोर रीडिंग भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो आपको पता चल जाएगा। अगर पहली बार में शायद कुछ गलती हो गई है या पॉइंट में डिफरेंस रह गया, तो 2 या 3 बार प्रैक्टिस करने से वो गलती या जो प्रॉब्लम्स वो निकल जाता है। एंड जो भी रीडिंग सेम आता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टर रीडिंग। क्लियर है? तो चलिए उसको बोलते हैं AML रीडिंग, एंड देन उसका हम कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मालिटी ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। क्योंकि हमें आयोडीन फाइंड आउट करना था, इसीलिए हमें आयोडीन की नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन से पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन 1, सबसे पहले ब्यूरेट में हम आयोडीन फिलअप करेंगे। अभी जो हमने बात की थी वही हमें लिखा हुआ है, पर लिखना कैसे है और क्या लिखना है वो भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ब्यूरेट में आयोडीन सॉल्यूशन फिलअप कीजिए अप्रोक्सीमेटली 0.1 नॉर्मल, कॉनिकल फ्लास्क में 25 ml एग्जैक्ट 0.1 नॉर्मल जो सॉल्यूशन है वो सोडियम थायोसल्फेट का ले लीजिए। इंडिकेटर स्टार्च है, एंड देन कलर चेंज है वो कलर लेस टू ब्लू है। देन ऑब्जर्वेशन टेबल लिख लीजिए, उसको आप नंबरिंग कर सकते हैं 1-1। जो ऑब्जर्वेशन 1 है वो क्या है, ब्लैंक एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन है, एंड टेबल 1 है वो क्या है, ब्लैंक एक्सपेरिमेंट का टेबल 1 है। आई थिंक ऑब्जर्वेशन टेबल आप सबको आता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ब्यूरेट रीडिंग फाइनल इनिशियल डिफरेंस, फाइनल मीन्स अंतिम अंक होता है, मीन्स एंड पॉइंट होता है। इनिशियल मीन्स कहाँ से शुरू किया था हमें, स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर है? तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें लिखना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ। ब्यूरेट में हमने 00 ब्यूरेट फिलअप की थी, तो 00 00 00 सबको हमने ML लिख दिया हुआ है। आपको ये सारे बॉक्स में ML लिखना है, एंड फाइनली A जो आंसर आता है उसको भी आपको ML में लिखना है, क्योंकि सारे के सारे रीडिंग जो है वो ब्यूरेट ML में आते हैं। सबसे पहले पायलट रीडिंग ले लीजिए। पायलट रीडिंग जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मे बी हो सकता है। एक बार पायलट क्लियर हो जाए तो उसके बाद में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्ट रीडिंग कितना आता है। फॉर एग्जांपल आपका पायलट रीडिंग है 11, तो आपका जो एग्जैक्ट रीडिंग वो होता है कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, 10.1 से लेकर 11.0 तक आपका रीडिंग आएगा। उसमें से कुछ भी हो सकता है, आप फॉर एग्जांपल 10.5 ले सकते हैं। तो आपके जो भी रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, इन 3 रीडिंग में से कोई भी 2 रीडिंग या फिर तीनों के तीनों रीडिंग सेम आना चाहिए। ऑल रीडिंग आर सेम, एंड देन आफ्टर उसको बोल सकते हैं आप कॉन्स्टेंट रीडिंग, कॉन्स्टेंट रीडिंग। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं नॉर्मलिटी की। हमें AML रीडिंग मिल चुका है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो एग्जैक्ट नॉर्मलिटी कितनी है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सोडियम थायोसल्फेट वर्सेस I2, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट है, I2 मीन्स आयोडीन है। तो सोडियम थायोसल्फेट को N1V1 बोलेंगे, एंड I2 को N2V2। N मीन्स नॉर्मलिटी, V मीन्स वॉल्यूम। तो सोडियम थायोसल्फेट की नॉर्मलिटी कितनी है, यह हमें पता है 0.1 नॉर्मल। वॉल्यूम हमने कितना यूज़ किया था, कॉनिकल फ्लास्क में हमने लिया था, आपको याद होगा 25 ml। नॉर्मलिटी ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वो हमें फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम कितना हुआ, हमने ब्यूरेट में फिलअप किया था, कितना हुआ ब्यूरेट रीडिंग, हमने फॉर एग्जांपल 10.5 बताया था। क्लियर? तो वो जो भी है वो आप यहाँ पर AML लिख सकते हैं, आपको जो भी आ रहा है वो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले N2 को हाईलाइट कर लीजिए, N1V1 इज डिवाइडेड बाई V2, जो सबका आंसर है वो ऐड कर दीजिए। N1 है 0.1, V1 है 25, V2 है AML, एंड देन कैलकुलेशन करेंगे तो एक आंसर आएगा, तो वो आंसर है आपकी नॉर्मलिटी। और वो आंसर जो बताता है एग्जैक्ट नॉर्मलिटी ऑफ I2 सॉल्यूशन, आपको इसको लिख लेना है। चलिए सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको हमें क्या करना है, तो एस्कोर्बिक एसिड कैन बी ऑक्सीडाइज फ्रॉम डीहाइड्रोक्सी एस्कोर्बिक एसिड बाय आयोडीन। एस्कोर्बिक एसिड में से ऑक्सीडेशन होगा, एंड देन उसमें से डीहाइड्रोक्सी एस्कोर्बिक एसिड बनेगा आयोडीन के साथ, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब। तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें वेट कर लेना है, 0.2 या 0.3 ग्राम ऑफ द सैंपल,
अगर एग्जाम चल रही है तो एग्जाम में आपको वेट पता नहीं होगा, एग्जामिनर सर ने एक सैंपल आपको दिया होगा, हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, आपको एक सैंपल मिलेगा फाइंड आउट करने के लिए, उस सैंपल में कितना वेट है वो हमें नहीं पता है, वो हमें एग्जामिनर सर से लेना पड़ेगा कि सर हमें वेट जो भी हमें दीजिए हमें कैलकुलेशन करना है। जब कैलकुलेशन की बात आएगी तब हम फिर से रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट, अगर आप रूटीन लैब जो है तो आप अपने आप अपने हिसाब से 0.2 या 0.3 ग्राम आप वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेट कर लीजिए, वेट करने के बाद आपको दो या तीन सैंपल वेट करना है, एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपको दो या तीन सैंपल दिए जा सकते हैं, रूटीन लैब है तो आप दो या तीन सैंपल सेम टू सेम प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि आपने एक वेट किया है 0.245 ग्राम, तो आपको जो तीन सैंपल है उन तीनों सैंपल में सेम वेट रखना है 0.245 ग्राम। तीन बार वेट कर लीजिए एंड देन आफ्टर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमें थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट चाहिए, तो रिक्वायरमेंट में क्या है, एक कॉनिकल फ्लास्क है, एक ट्रायंगल है एंड बर्नर है। तो हमें सबसे पहले उसमें एक सॉल्यूशन ले लेना है डिस्टिल वाटर, हमने पहले भी बताया था बॉयल एंड कूल्ड डिस्टिल वाटर, उसके अंदर ये सैंपल को ऐड कर देना है। 100 ml हमें सॉल्यूशन लेना है, आप देख सकते हो उसको हमने गर्म किया है, हीट किया है, उसको कूल कर लिया है एंड देन उसके अंदर कंपाउंड रख दीजिए एंड उसको डिजोल्व कर दीजिए। डिजोल्व इट इन नियरली 100 ml ऑफ द बॉयल एंड कूल्ड डिस्टिल वाटर, आपको उस कंपाउंड को सॉल्यूबल कर लेना है, कंप्लीट डिजोल्व एंड देन उसके अंदर आप 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दीजिए। 10 ml आप एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करके ऐड कर सकते हैं या फिर आप एडजस्ट कर लीजिए 1 test tube। आपने तीन सैंपल लिए हैं तो जो तीन 1 by 1 आप परफॉर्म करेंगे 1, 2 and 3, तो 3 times जो भी लेना है वो सेम इक्वल क्वांटिटी लेना है, हर बार आपको सेम सिचुएशन रखनी है, सिचुएशन चेंज नहीं करनी है। या फिर इंडिकेटर ले तो भी आपको सिचुएशन सेम रखनी है, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं वो भी सेम रखना है, कंपाउंड लेते हैं वो भी सेम रखना है एंड डिस्टिल वाटर लेते हैं वो भी आपको सेम रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, क्लियर। तो 10 ml आप जिस पात्र से ले रहे हैं उसको हर बार उसी पात्र से इतना ही ml यूज़ करना है। उसकी नॉर्मलिटी जो है सल्फ्यूरिक एसिड वो 1 normal है। उसके बाद में आप उसके अंदर स्टार्च ऐड कर दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 5 ml। तो 5 ml आपने जिस पिपेट से या टेस्ट ट्यूब से या फिर एनी जो पात्र आपके पास है उस आपने आइडेंटिफाई करके 5 ml लिया हुआ है, आपको हर बार वही यूज़ करना है, चेंज नहीं करना है। अगर चेंज करेंगे तो आपका रीडिंग चेंज हो जाएगा। देन सॉल्यूशन एट दिस स्टेज कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, हमने आगे भी एक प्रैक्टिकल किया सेक्शन 1 का, उसमें कलर नहीं आता है जब हम स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते हैं, पर जब हम आयोडीन से टाइट्रेशन करेंगे, आप देख सकते हैं हमने ब्यूरेट में आयोडीन फिलअप किया हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया हुआ है, सबसे पहले डिस्टिल वाटर लिया हुआ है 100 ml, उसके अंदर हमने एस्कोर्बिक एसिड सैंपल ऐड किया, उसके अंदर हमने 10 ml 1 normal सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया हुआ है एंड देन हम आयोडीन से स्टार्च ऐड करने के बाद टाइट्रेट कर रहे हैं, इसमें कलर नहीं होगा एंड देन हम जब टाइट्रेशन करेंगे तब उसका कलर जो हो जाएगा कलरलेस टू ब्लू, और परमानेंट ब्लू कलर होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट ब्लू, क्योंकि कई बार क्या होता है आप ऐड करते हैं तो ब्लू कलरेशन आता है पर आप जब स्टर करते हो तो कलर चला जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, परमानेंट ब्लू कलर रहना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ब्लू कलरेशन बताया हुआ है, ब्लू कलर परमानेंट रहना चाहिए, ये आ रहा है जा रहा है पर एक समय आ रहा है वो परफेक्ट है, मीन्स परमानेंट है, वो जा नहीं रहा है, स्टेबल है एंड देन आप उसको ब्यूरेटिनिक बी बोल दीजिए, BML। पहले जो सेक्शन 1 था उसमें AML था, ये सेक्शन 2 है उसमें BML ऐड कर दीजिए। आपके पास 3 सैंपल है तो ये एक सैंपल आपने परफॉर्म किया उसी को रिपीट करना है, इसी सिस्टम को दूसरे सैंपल के साथ तीसरे सैंपल के साथ एंड देन आप जो भी रीडिंग आ रहा है उसको आप कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं या फिर सैंपल रीडिंग बोल सकते हैं, क्लियर है। एंड देन आफ्टर हम उसका कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। जो एस्कोर्बिक एसिड होता है उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं, जब हम इसके आयोडीन के साथ, यहाँ हमने सल्फ्यूरिक एसिड से गर्म किया था एंड
हीट किया था, आयोडीन से टाइट्रेट किया है, तो ऑक्सीडाइज टू डीहाइड्रोक्सी एस्कोर्बिक एसिड। तो कैसे होता है वो हम देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एस्कोर्बिक एसिड का। ये सैंपल वन है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है या फिर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ये तीनों फॉर्म एस्कोर्बिक एसिड के हैं। आप देख सकते हैं उसके अंदर C6H8O6 दिया हुआ है और हमें उसकी रिएक्शन करनी है। तो चलिए केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ये एस्कोर्बिक एसिड है। एस्कोर्बिक एसिड में इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सी ग्रुप COH हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये जो ऑप्शन है उसमें चेंज होने वाला है। तो क्या चेंज होने वाला है? तो चलिए हम I2 से उसका रिएक्शन करेंगे। I2 से हम रिएक्शन करेंगे क्योंकि टाइट्रेशन कहाँ से कर रहे हैं? ब्यूरेट में I2 फिलअप किया हुआ है, तो I2 हम ऐड करेंगे। तब क्या होगा? तब रिएक्शन होगी, हीट करेंगे, तब ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन ये सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। मीन्स आपकी जो प्रैक्टिकल उसमें से 2 मोल हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, Twice H+ एंड देन ये जो I2 था वो भी Twice I- के फॉर्म में रिमूव हो रहा है। मीन्स ये फॉर्म बन रहा है, तो ये जो फॉर्म है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोक्सी एस्कोर्बिक एसिड। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीहाइड्रोक्सी एस्कोर्बिक एसिड, क्लियर है? अगर सिंपल फॉर्मेट में देखना है तो इस तरह से देख सकते हैं C6H8O6 प्लस I2 गिव्स C6H6O6। पता चल रहा है? देखिए यहाँ पे 8 हाइड्रोजन था, उसमें से 6 हाइड्रोजन हो गया, मीन्स 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। तो सेम एज इट इज, Twice H+ + Twice I-। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन एस्कोर्बिक एसिड का। एस्कोर्बिक एसिड में से डीहाइड्रोक्सी एस्कोर्बिक एसिड बन रहा है। चलिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं एक बार, हमें क्या लिखना है ऑब्जर्वेशन टेबल में या फिर ऑब्जर्वेशन में। तो ब्यूरेट में हम सबसे पहले 0.1 नॉर्मल I2 सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। कॉर्निका फ्लास्क में एस्कोर्बिक एसिड हमने लिया हुआ है, 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, इंडिकेटर स्टार्च लिया है एंड कलर चेंज जो वो है कलरलेस टू ब्लू, आप सबको पता है। ऑब्जर्वेशन टेबल जो BML रीडिंग था एक्चुअल एक्सपेरिमेंट मीन सैंपल, तो हमें ये इस तरह से लिखना है Sample 1, Sample 2, Sample 3 एंड फाइनल सैंपल रीडिंग, जो भी जनरली सैंपल सेम आते हैं उसका हमें रीडिंग लिखना है या फिर आप 3 का प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं। तो अगर आपको एक ही सैंपल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आपको एक ही सैंपल दिया हुआ है तो आपको सिर्फ इतना ही टेबल बनाना है, यहाँ तक का ही, ये पूरा टेबल नहीं बनाना है, ये 3 कॉलम आपको नहीं चाहिए। एक ही सैंपल है तो सिर्फ इतना ही टेबल आपको फॉलो करना है, क्लियर? ये जो 3 है वो कॉलम आपको नहीं लिखने हैं। जितने भी सैंपल आपके पास है उतने हम कॉलम बनाइए एंड देन आफ्टर उसका BML रीडिंग फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये फाइनल स्टेज है कैलकुलेशन। सबसे पहले हमने जब रिएक्शन की थी तब 2 मोल I2 यूज हो रहा था इज इक्वल टू 1 मोल एस्कोर्बिक एसिड। ये कैसे पता चलेगा? चलिए फिर से एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा ये Twice H+ रिमूव हो रहा है, Twice I- रिमूव हो रहा है। तो ये एक ही मोल है और I2 जो है 2 है। I2 कितने हैं? 2 है और एस्कोर्बिक एसिड कितना है? 1 है। मीन्स 2 मोल I2 के सामने सिर्फ 1 मोल एस्कोर्बिक एसिड यूज हो रहा है। यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं 2 मोल I2 के सामने सिर्फ 1 मोल एस्कोर्बिक एसिड यूज हुआ है। इसीलिए हमने क्या लिखा था कि हमें 2 मोल I2 इज इक्वल टू 1 मोल एस्कोर्बिक एसिड। ओके, आई थिंक आपको पता चल रहा होगा 2 मोल I2 इज इक्वल टू 1 मोल एस्कोर्बिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं। उसका मोलिकुलर वेट जो होता है 176.12 ग्राम है। अगर मान लीजिए कि 1000 ml 2 मोलर I2 में 176.12 ग्राम ऑफ एस्कोर्बिक एसिड है, 2 मोलर I2 इज इक्वल टू 1 मोल एस्कोर्बिक एसिड। 1 मोल मीन्स मोलर मीन्स मोलिकुलर वेट,
176.12 ग्राम मोलिकुलर वेट, इतना ग्राम एस्कोरबिक एसिड है। तो हमें वन मोल में कैलकुलेशन करना है, तो क्या करेंगे, तो 1000 एज इट इज है टू मोल में से वन मोल में कन्वर्ट करेंगे, टू मोल में से वन मोल में मीन्स टू में से वन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई टू करना पड़ेगा। तो हमें जो भी यहाँ पे मोलिकुलर वेट दिया हुआ है उसको भी डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 88.06। अगर मान लीजिए कि हमें वन मोलर नहीं चाहिए, पॉइंट वन मोलर चाहिए, तो 1000 ml पॉइंट वन मोलर अगर बनाना है सॉल्यूशन, क्योंकि हमने जब यूज़ किया था तब हमने एग्जैक्ट नॉर्मलिटी फाइंड आउट की थी, उस एग्जैक्ट नॉर्मलिटी के अगेंस्ट हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पॉइंट वन मोलर आई टू अगर है हमारे पास, पॉइंट वन मोलर आई टू है तो कितना आना चाहिए 8.806, क्योंकि 1 / 10 इज इक्वल टू पॉइंट वन मीन्स 88.06 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 8.806 ग्राम ऑफ द एस्कोरबिक एसिड। देन अगर हमें 1 ml की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हमने ब्यूरेट में एक एक ml लेके हमने टाइट्रेशन किया था, तो हम 1 ml की कंपैरिजन करेंगे। अगर 1000 में से 1 ml में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यस डिवाइडेड बाई 1000। तो हमें ये जो भी आंसर आ रहा है उसको भी डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा, 8.806 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.008806। क्लियर है, 1 ml पॉइंट वन मोलर आई टू इज इक्वल टू 0.008806 ग्राम ऑफ द एस्कोरबिक एसिड। अब जाके हम बता सकते हैं कि अगर हमें ब्यूरेट में जो ml रीडिंग मिला है उसमें कितने ग्राम एस्कोरबिक एसिड है। तो देखिए CML कहाँ से आया, तो जो CML है वो A और B, B का डिफरेंस है, A और B का यहाँ पर डिफरेंस दिखाया हुआ है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो BML है, C नहीं है सॉरी B है, BML जो है वो BML हमने ब्यूरेट रीडिंग में जब लिया था सेक्शन 2 का, उसको हमें यहाँ पर लिखना है। सेक्शन 1 जो था सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन के लिए था, मीन्स वो कहीं पे हमें प्लस और माइनस नहीं करना है, उसको हमें कहीं भी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना है, वो हमें सिर्फ नॉर्मलिटी के लिए फाइंड आउट किया था। वो नॉर्मलिटी कहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रही एक्स मोलर, हमने आयोडीन की नॉर्मलिटी फाइंड आउट की थी सेक्शन 1 में, उसी के लिए हमने वो टाइट्रेशन किया था। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है नॉर्मलिटी ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, एक्स मोलर आयोडीन सॉल्यूशन। जो भी आंसर सेक्शन 1 का था, सेक्शन 1 का आंसर वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और BML सेक्शन 2 का जो ब्यूरेट रीडिंग है उसको हम BML बोले, तो वो BML हमें लेना है। तो एक्स मोलर मीन्स सेक्शन 1 की नॉर्मलिटी या फिर मोलारिटी आपको लिखनी है, एंड सेक्शन 2 का ब्यूरेट रीडिंग यहाँ पे लिखना है। देन इज इक्वल टू वो क्वेश्चन मार्क मीन्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ द एस्कोरबिक एसिड, हमें नहीं पता तो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे BML है जो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, XML है ऊपर चला जाएगा, 0.1 नीचे आ जाएगा, एंड देन 0.008806 ऊपर ही रहेगा। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BML, ये जो BML था वो ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो B ऊपर है, X मोलर ऊपर चला गया, 0.1 नीचे आ गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं 0.1, एंड देन आप देख सकते हैं 0.008806 भी ऊपर है, एंड 1 and 0.1 नीचे है। तो ये जो पूरा का पूरा सेक्शन ऊपर चला गया है और ये पूरा का पूरा सेक्शन नीचे चला गया, ऑपोजिट साइड, B इंटू XM डिवाइडेड बाई 1 into 0.1, एंड 0.008806 यहाँ पे ऊपर ही है। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए एंड देन एक आंसर मिलेगा, वो होगा C ग्राम ऑफ एस्कोरबिक एसिड, वो आपको फाइंड आउट करना है, C ग्राम ऑफ एस्कोरबिक एसिड। और वो रीडिंग है वो कितने ml में था, हमने पीपीट में कितना लिया था टाइट्रेशन के लिए, यस 25 ml। तो ये ओनली फॉर 25 ml डिस्टिल वाटर में जो हमने सॉल्यूशन लिया था या फिर I2 के सामने अब जो हमने यूज़ किया था वो 25 ml था, तो हम 25 ml के लिए हमने आइडेंटिफाई किया है। एंड देन हमें उसका 250 ml में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको इंटू 10 कर सकते हैं अगर 250 में कन्वर्ट करना है तो, पर हमने 250 ml नहीं बनाया है इसलिए हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। जो हमें उसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ प्योरिटी एस्कोरबिक एसिड इज इक्वल टू सी इंटू 100 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वेट, डब्ल्यू मीन्स वेट ऑफ एस्कोरबिक एसिड, वेट ऑफ एस्कोरबिक एसिड हमने कितना लिया था,
हमने पहले भी बताया था, अगर एग्जाम चल रही है, एग्जामिनेशन है, तो हमें नहीं पता होगा, तो हमें एग्जामिनर सर से वो मांगना पड़ेगा कि सर हमें वेट दीजिए। तो हम जो भी सर हमें वेट देंगे उस वेट को हम यहाँ पर रखेंगे एंड देन आफ्टर कैलकुलेशन करेंगे। अगर रूटीन लैब है, आपने खुद वेट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जितना भी वेट लिया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि 0.245 ग्राम ऑफ एस्कोरबिक एसिड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं C into 100 डिवाइडेड बाई 0.2 से लेकर 0.3 तक आपने जितना भी वेट किया था वो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए एंड देन जो भी आंसर आएगा वो होगा डी परसेंटेज। डी मीन्स एक आंसर आएगा, उसको हमने बोल दिया है डी, और वो आंसर जो है एस्कोरबिक एसिड है। तो यहाँ जाके हम पता कर सकते हैं कि हमें जो भी सैंपल दिया हुआ है एस्कोरबिक एसिड का, उसके अंदर परसेंटेज जो पैरिटी कितनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर 99 या 100 आना चाहिए, 100 से अप आपका आंसर नहीं आना चाहिए। क्लियर है? 98, 99, 100 तक आपका आंसर आ सकता है, उससे आपको आगे नहीं जाना है, 100 प्लस नहीं ले जाना है। तो आपको बी केयरफुली पैटिल करना है। चलिए फाइनली रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे? तो सिर्फ एक ही सेंटेंस है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ एस्कोरबिक एसिड फॉर सैंपल वन। अगर आपको एक ही सैंपल दिया हुआ है तो उसका आंसर लिख लीजिए, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है कैपिटल डी, वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लिख ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको एक से ज़्यादा सैंपल दिए हुए हैं, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा, सैंपल टू की परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। अगर तीन सैंपल है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ थर्ड सैंपल। अगर तीन सैंपल है तो आपको उसको एवरेज निकालना पड़ेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ब्लैंक, जो भी आंसर है वो लिख दीजिए, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ एस्कोरबिक एसिड। क्लियर है? आई थिंक आपको पता चल गया होगा एस्कोरबिक एसिड के एस्टिमेशन के बारे में। अगर आपको ये एस्टिमेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मेरी भी और भी वीडियो हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं आपको, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिए, और वो भी अगर पसंद आ रहे हैं तो उसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।